तो उत्तर प्रदेश में सैकड़ों हजारों मासूम बच्चों, महिलाओं समेत अन्य लोगों के धर्म परिवर्तन कराने के मसले पर जिस तरीके से यूपी एटीएस ने खुलासा किया और जिस तरीके से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की भूमिका अब इसमें सामने निकल कर आ रही है और धर्म परिवर्तन के नाम पर फंडिंग से जुड़े इनपुट्स अब सामने आ रहे हैं। सूबे के मुखिया इस पर अब सख्त हो चले हैं। आरोपियों पर एनएसए लगाने का आदेश सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के द्वारा दे दिया गया। रिपोर्ट देखिए आप। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण की साजिश का खुलासा होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रवैया अपनाया है। उन्होंने जांच एजेंसियों को धर्मांतरण मामले की पूरी तह में जाने का निर्देश दिया है। साथ ही जो भी लोग इस मामले में संलिप्त हैं, उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और एनएसए लगाने की तैयारी हो रही है। यहाँ तक कि दोषी लोगों की प्रॉपर्टी भी जब्त की जा सकती है। यूपी एटीएस ने दिल्ली के जामिया नगर के रहने वाले दो लोगों को गिरफ्तार किया है जो इस साजिश में शामिल थे। यूपी एटीएस को धर्मांतरण की साजिश के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की फंडिंग के सबूत भी मिले हैं। यूपी एटीएस ने 1000 लोगों के अवैध तरीके से धर्मांतरण कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। यूपी ने एडीजी प्रशांत कुमार ने सोमवार को इस मामले में खुलासा करते हुए कहा कि 2 जून को डासना के एक मंदिर में दो लोगों ने अवैध रूप से घुसने की कोशिश की थी और इस मामले में उनको हिरासत में लिया गया था। आरोपियों का नाम विपुल विजयवर्गीय और काशिफ है। उनसे पूछताछ में पता चला कि इन लोगों का सुनियोजित तरीके से धर्म परिवर्तन का रैकेट चल रहा है जो काफी प्रलोभन देने का काम करता है। जांच में सामने आया कि इन लोगों ने करीब 1000 लोगों को लालच देकर और धमकाकर उनका धर्म परिवर्तन करवाया और इसके पीछे एक शख्स गौतम का नाम सामने आया जो कि बाटला हाउस जामिया नगर का रहने वाला है। इसने खुद भी अपना धर्म परिवर्तन किया है। मामले के तह खुलने के बाद इसके साथ ही जहांगीर आलम की गिरफ्तारी की गयी। एडीजी ने बताया कि एटीएस को कुछ समय से ये सूचना मिल रही थी कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और अन्य विदेशी माध्यमों से पैसे जमा कर कुछ लोग धर्मांतरण कराने और धार्मिक वर्गों में नफरत फैलाने की कोशिश में जुटे हैं। इस सूचना पर एटीएस की टीम ने रविवार को काजी जहांगीर और उमर गौतम को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि लखनऊ के एटीएस थाने में उनकी और इनकी संस्था इस्लामिक दावा सेंटर और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी, साजिश, धार्मिक फैलाने और किसी धर्म को अपमानित करने सहित विभिन्न आरोपों में मामला दर्ज किया गया है। प्रशांत कुमार ने बताया कि उमर गौतम पहले हिंदू था लेकिन उसने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया और धर्मांतरण कराने में सक्रिय हो गया। उन्होंने उमर के हवाले से बताया कि अभी तक उसने करीब 1000 गैर मुस्लिम लोगों को मुस्लिम धर्म में परिवर्तित करवाया और उनको मुस्लिमों से शादी कराई है। ये लोग मुखबधिर छात्रों और गरीब लोगों को पैसे, नौकरी और शादी का लालच देकर धर्मांतरण कराते थे। यूपी एटीएस ने कल 2 लोगों को गिरफ्तार कर धर्मांतरण के रैकेट का खुलासा किया है। आरोप है कि इस रैकेट ने अब करीब 1000 से अधिक लोगों का धर्म परिवर्तन कराया और इसमें मुसीबत के मारे लोग, महिलाएं और मूक बधिर बच्चे तक शामिल हैं। धर्म परिवर्तन के इस काले खेल में शामिल मोहम्मद उमर गौतम और मुफ्ती जहांगीर कासमी दिल्ली में रहते हैं। पुलिस का कहना है कि ये दिल्ली से सटे आसपास के लोगों को अपनी साजिश का शिकार बनाते हैं। कुछ लोगों को इसके करतूतों का पहले से ही पता तो लग गया था और अब गिरफ्तारी के बाद वो इनके काले कारनामों का खुलासा कर रहे हैं। धर्म परिवर्तन से जुड़ा ये गिरोह 2 जून को यूपी पुलिस के रडार पर आया था। दरअसल गाजियाबाद के डासना में स्वामी यति नरसिंहानंद के आश्रम से ये नाम बदलकर पहुंचे थे और इसके बाद पूरे मामले की जाँच शुरू हुई। चौंकाने वाली बात ये भी है,
धर्म परिवर्तन वाली इस साजिश के तार देश के बाहर से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और फंडिंग के पीछे ISI कनेक्शन का भी शक है। स्पेशल डेस्क आर्य न्यूज़।